good morning, students. how are you all? students, yesterday we have started chapter 11 of english class 2, that is the khazar's secret. in this chapter we have seen that there was a khazar named trozan whose ears were like a got. Right? and it was a secret to everyone, only his warver knows that his ears are like a got. but it was too much difficult. To the barber to keep that secret, right? so what did he, uh, what does he, he did? He dig, uh, he dug a hole on uh, ground and speak loudly about the secret in the hole that the Khazar has the ears of a god. Right? and he covered that hole with dirt. there a tree grown up with uh, two branches in a straight form. है ना लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांचेस हमने क्या देखा था कि एक कजार था जिसका नाम ट्रोजैन था उसके ईयर्स कैसे थे गॉड जैसे थे है ना और उसका ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ उसका बारबर जानता था और बारबर से कजार ने एक प्रॉमिस ले रखा था कि भाई आप ये मेरा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगे अब क्या होता है कि कर, जो बारबर होता है वो इस सीक्रेट को और ज़्यादा अपने अंदर छुपा के नहीं रख पाता तो वो क्या करता है ग्राउंड में एक होल बनाता है और होल में जाके जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि कजार के ईयर्स गॉड की तरह है और फिर क्या होता है वो उसको कवर कर देता है होल को और उस होल में से एक बहुत बड़ा ट्री उग जाता है है ना जिसकी ब्रांचेस बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट होती हैं अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ वन जे अशर्ड केम अपॉन द ट्री

और काट के उसको क्या बना दिया फ्लूट बना लिया है ना अब उस फ्लूट में से आप सोच सकते हैं क्या गाना निकला निकलास yes, देखिए कैसा द द द द कजार कजार हैज हैज ऑफ ऑफ अ अ गॉट गॉट इस तरह का गाना उस फ्लूट में से निकल रहा था द शेफर्ड वॉज क्वाइट सरप्राइज वे द फ्लू सॉन्ग एंड ही क्विकली टोल्ड द सीक्रेट टू एवरी वन इन टाउन अब जब इस तरह का गाना इस शेफर्ड ने सुना तो उसने क्या किया उसने ये सीक्रेट सबको टाउन में सबको सुना दिया है ना टाउन में कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको अभी सीक्रेट के बारे में नहीं पता था वन मॉर्निंग द कजार हिमसेल्फ हर्ड सम पीपल विस्परिंग हिज सीक्रेट टू ईच अदर ही वेंट ही सेंट फॉर द बार्बर तो अब जैसे ही कुछ दिनों बाद कज़ार ने भी सुन लिया लोगों को इस बारे में काना फूसी करते हुए विस्तु काना फूँसी करना काना फूसी करते कि अरे तुम्हें पता है कज़ार के यर्स गॉड जैसे हैं इस तरह की आवाजें बात बातें उसके कानों में भी पड़ी तो उसने बार बार को बुलाया वाई हैव यू टोल्ड माई सीक्रेट द कज़ार आस्ट एंड और कज़ार से उसने बहुत गुस्से कज़ार ने बहुत गुस्से में बार बार से पूछा कि तुमने मेरा सीक्रेट सबको क्यों बताया तो अब बार बार क्या बोलता है देखिए आई प्रोमिस यू सर आई टोल्ड योर सीक्रेट टू नो वन बट द अर्थ आप कजार ने क्या वो जो बारबर था उसने क्या बोला सर आई प्रोमिस मैंने ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया सिर्फ किसको बताया है अर्थ को बताया है अर्थ यानी कि धरती को है ना सेट द बारबर देन ही एक्सप्लेन अबाउट द होल द ट्री एंड द फ्लूट उसने सारी बात बताई कि कैसे उसने होल बनाया उस होल में उसने अपना सीक्रेट बताया फिर वहां पर एक ट्री उगे आया और उसकी फ्लूट बन गई हाउ टेरेबल सेट द कजार सैडली अब कजार बहुत दुखी हो गया और उसने बहुत दुखी मन से कहा अरे ये क्या हो गया हाउ टेरेबल ना एवरी वन नोज माई शेम सीक्रेट अब मेरे सीक्रेट के बारे में गंदे सीक्रेट के बारे में शेमफुल यानी कि शर्मनाक है ना उसको ऐसा शर्म आती थी कि मेरे ईयर्स ऐसे गॉड जैसे उसने बोला मेरे ऐसे शर्मनाक सीक्रेट के बारे में सब को पता चल गया अब बार बार क्या कहता है सर में आई से समथिंग आज द बार 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 ने परमिशन मांगी सर क्या मैं कुछ कह सकता हूँ योर ईयर्स आर लाइक नो वन एल्स इफ आई हैड योर ईयर्स आई वुड शो दम ऑफ लेट एवरी वन सी योर ईयर्स अब जो बार था उसने क्या बोला सर मैं कुछ बोलूं अगर मेरे पास ऐसे ईयर्स होते तो मैं सबको अपने इयर्स दिखाता क्योंकि मेरे आपके ईयर्स किसी के भी जैसे बिल्कुल नहीं है बिल्कुल अलग हैं डिफरेंट है, है ना तो कजा ट्रोजैन रियलाइज दैट द पावर वॉज राइट तो ट्रोजैन ने भी सोचा बात तो सही है मेरे ईयर्स बिल्कुल डिफरेंट है कॉमन ईयर्स नहीं है जैसे सबके होते हैं

और अब जब भी वो फ्लूट का सॉन्ग सुनता था तो वो अपने ईयर्स को विगल यानी कि हिलाने लगता था है ना अब ये स्टोरी तो एक आ, फनी स्टोरी थी बेटा इससे हमको पर इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि कभी भी जैसे कभी आपका कोई फ्रेंड या कोई भी हमको कोई सीक्रेट बताता है तो वो सीक्रेट कभी किसी से भी नहीं कहना चाहिए इवन देखो उसने तो नॉन लिविंग थिंग अर्थ को बताया था ना सीक्रेट पर फिर भी वो सीक्रेट सबको पता चल गया ना यानी कि अगर हम कोई भी सीक्रेट किसी को भी बताते हैं तो वो सीक्रेट कभी भी सीक्रेट नहीं रहता इसलिए अगर कभी आपका कोई फ्रेंड कोई दोस्त अगर बोलता है कि भाई मेरी बात को सीक्रेट रखना तो उसकी बात को हमेशा सीक्रेट रखने की कोशिश करना ओके okay, स्टूडेंट्स ये चैप्टर तो यहाँ फिनिश होता है टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज ओके चल देन बाय बाय टेक केयर